दोस्तों, भारत में बहुत ही ऐसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जो सबकी समझ से परे हैं, जिनका रहस्य वैज्ञानिक तक नहीं सुलझा पाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक तक नहीं सुलझा पाए, जो सबकी समझ से परे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जिसका रहस्य आज तक सबके लिए पहेली बना हुआ है। यह मंदिर उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र पुरी में स्थित है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक माना जाता है। बहुत से लोगों की इस मंदिर के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं और बहुत से लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और सुभद्रा जी इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर का रहस्य मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। इस जगह के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कहना है कि छत से टपकने वाली बूंदों से मानसून के आने का पता चल जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सालों से वह मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश होती है। यदि बूंदें कम गिरे तो ये माना जाता है कि बारिश भी कम होगी, और यदि बूंदें ज़्यादा गिरे तो ये माना जाता है कि बारिश भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, है ना ये अनोखा रहस्य। तो विज्ञान भी इस पहेली को आज तक सुलझा नहीं पाए, क्योंकि ऐसा ही अक्सर होता रहा है। बताते हैं कि कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई इस रहस्य को। बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक इस बात के बारे में पता नहीं लगा सके कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अनसुलझा और बहुत ही बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में बहुत ही सारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या किसी रहस्यमय घटना के बारे में बता सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन दोस्तों, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा।